सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सेवाकांत पाठक आपके सम्मुख सत्य न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। और ऐसा करते हुए मैं अपने आपकी गरिमा में उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज मैं मध्यस्थ दर्शन के एक नए लेक्चर को लेके आपके समक्ष आपके सक्षम आपके आगे उपस्थित हूँ। तो चलती है बढ़ती है आपके बीच मध्यस्थ दर्शन का एक नया लेक्चर। तो चलते ही देखते हुए मध्यस्थ दर्शन में मानव मन का लेक्चर नंबर 14। इस लेक्चर में मध्यस्थ दर्शन के आधार पर वर्तमान सामाजिक जीवन में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण की दिशा में चलेंगे और इस निराकरण की कड़ी में आज भ्रष्टाचार और विनिमय से जुड़ी समस्याएं और उसके समाधान पर चर्चा करेंगे। करप्शन एंड एक्सचेंज प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो चलते हैं देखते हैं, अगर हम आज के लेक्चर को अपने पिछले लेक्चर से जोड़ना चाहेंगे तो पिछले 3 लेक्चरों में 37, 38 और 39 में हम समस्याओं को ले रहे हैं और उसकी निराकरण की चर्चा कर रहे हैं। आज जो मुख्य बिंदु अभी देखने चल रहे हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति और विनिमय में शोषण से मुक्ति देखेंगे। तो चलते हैं चर्चा की शुरुआत करते हैं, पहले करप्शन को लेकर चलते हैं, भ्रष्टाचार को देखते हैं। करप्शन के मुद्दे क्या हैं और किस रूप में है और कैसे ये समाज को खोखला कर रहा है, और इसको आज का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भ्रष्टाचार के मुद्दे से कैसे जो है लड़ रहा है और कितना सफल हो रहा है। भ्रष्टाचार हमारे सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक सेवा में साधन को प्रयुक्त करने के बजाय व्यक्तिगत सुविधा के लिए प्रयोग करना, जिसमें सार्वजनिक सेवा में या तो कमी रहना या गुणवत्ता निम्न हो जाना। देखिए, जो सार्वजनिक सेवा उस सेवा को कम कर देना या उसकी गुणवत्ता को कमजोर करना ही किसके लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए। अगर कोई भी मालूम करता है तो वो जो है भ्रष्टाचार कर रहा है, और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आज जो इस सिस्टम में नियम वो कठोर कानून करके इस भ्रष्टाचार को आज की व्यवस्था कम करना चाहती है। जो उपाय किया गया है वो उपाय व्यवस्था के द्वारा वो पूर्णतया पूर्ण रूप में सफल नहीं हो पाया है और वह उपाय असफल साबित हुआ है, और भ्रष्टाचार और समाज में एक सुरक्षा की तरह मुंह बाई खड़ी हुई है। भ्रष्टाचार के मूल में भी धर्म और समाज का अभाव है, जिससे मानव में भय, चिंता, पीड़ा, संघर्ष, द्वंद, जिसके स्वरूप खुद में एकाकीपन, खालीपन, बोरियत बनी रहती है और संबंधों में कड़वाहट होता है। देखिए, ज्ञान की कमी में, समझ के अभाव में, सही भाव और सही विचार न रहने के कारण मानव के अंदर भय है, चिंता है, पीड़ा है,
या विश्वास के कारण संघर्ष है, मानवीय भिन्नता है, जिसके कारण संबंध मानव मानव संबंध सरलता सहजता मधुरता उदारता और दयालुता के रूप में नहीं है। यह संबंध अविश्वास में है, भय में है, चिंता में है, संघर्ष में है और इसके कारण मानव के जीवन में है अकेलापन, कोई नहीं मित्र है, कोई सही संबंध नहीं है, तो खाली और बोर हो रहा है बिना संबंध के। ये बना हुआ है और किसी से संबंध भी है तो बिटर है, स्वीट नहीं है, खट्टा नहीं हुआ है। और इसके फलस्वरूप होता क्या है, परिवारों में प्रेम का अभाव बना हुआ है, डिप्रिवेशन है प्रेम का, क्योंकि सभी की यह मान्यता है कि सुरभा से हम सुखी हो जाएंगे। आज की जो वर्तमान की स्थिति है, जो हम सुख चाहते हैं वह सुख फिजिकल फैसिलिटी में खोज रहे हैं और मानते हैं ज्ञान के अभाव में कि यही सुविधाएं ही सुख का आधार हो जाएंगी। तो व्यक्ति लगा हुआ है अधिक से अधिक सुविधाओं के संग्रह में और ऐसा करते हुए तो वह अपने शरीर को इतना दुख दे रहा है कि शरीर रोगी हो जा रहा है तमाम तरह से। और न शरीर सही है, न मैं सही हूं, शरीर रोगी हो गया है, मैं दुखी हूं, मैं सुख की प्राप्ति कैसे कर पाऊंगा। और इसके बावजूद भी मैं सच को समझ नहीं पा रहा हूं ज्ञान के अभाव में, और मैं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में, कंपटीशन करने में लगा हूं, वस्तुओं की पहचान कर रहा हूं, यह जुटा लू, यह चुरा लू, शोषण कर लू, इन प्रकार वह सुविधाओं के संकलन में लगा है, क्योंकि वह समृद्ध बनने की चाहत है, प्रॉस्पेरिटी पाने की चाहत रखता है। और क्यों चाहत रखता है, क्योंकि उन्हीं सुविधाओं में वह सुख तलाश कर रहा है, जबकि आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित है। आवश्यकताएं व्यक्ति की आज अनंत हो गई है इसी कारण, क्योंकि वह सुख किसमें देख रहा है, सुविधाओं में। और अब साधन तो सीमित है, कितने लोगों के पास जाएगा, कितनी हवा है, कितने पेड़ है, कितनी जमीन है, कितना घर है, कितनी हवा है, सब तो कैलकुलेटेड है ना भाई, कितनी कारें बन रही है, कितनी हवाई जहाज है, कितना मिल सकता है, कितना रोड है, कितनी जमीन है, कैसे पेड़ रहेगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति न समझते हुए अज्ञानता की स्थिति में सुविधाओं के संकलन का कंटिन्यूअस प्रयास करना है, जब से पैदा हुए समझदार हुआ और जब तक जीवित है इसी में लगा हुआ है। और ऐसा करने के लिए किसी भी तरीके को अपनाने के लिए वह तैयार है, और जब भी अवसर मिलता है 24 घंटे कर जाता है। इसमें प्रेम और विश्वास का स्थान कहीं नहीं है, और इसके लिए चाहे जितना शोषण करना पड़े, जितना संबंध करना पड़े, जितना भ्रष्टाचार करना पड़े, उतना करने को तैयार है। पिछले लेक्चरों में हमने देखा है कि मानव जीवन जो है वो मैं और शरीर का अस्तित्व है, मैं शरीर हूं ऐसा गलत है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा घर है, मैं मैटेरियल नहीं हूं, शरीर मैटेरियल है, मैटेरियल को मैटेरियल चाहिए, हमें तो सही भाव सही विचार चाहिए, सही संबंध चाहिए। मानव की आवश्यकताएं जो है, सुविधाएं जो है, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सीमित है, निश्चित है और साधन इसके लिए पर्याप्त है।
और यह भी स्पष्ट है, साथ में यह भी स्पष्ट है कि सुविधा शरीर के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं सुविधाओं से सुखी नहीं हो सकता हूं। सुविधाओं से शरीर सुखी होगा, मुझे तो सही भाव और सही विचार ही सुख दे सकता है। सही संबंध, प्रेम, विश्वास, जो भी नौभाव है, और सभी लोगों को सुखी होने की चाहत देख पाना और सबके साथ अपने संबंधों को पहचानना, अगर मैं ऐसा कर पाऊंगा। देखिए समाधान तो मिला है, यह जान लेना कि मानव की आवश्यकताएं निश्चित सीमित और साधन पर्याप्त है। हम अपनी आवश्यकताओं को पहचान पाए, हम यह भी जान पाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मटेरियल नहीं हूं, शरीर मेरा घर है। शरीर को मटेरियल को मटेरियल चाहिए, मुझे तो सही भाव सही विचार चाहिए, सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहिए, तृप्ति के भाव में जीना मैं चाहता हूं। सभी मानव को सुखी होना चाहते हैं, ऐसा मैं सबने देख पाऊं, तभी मैं सबके साथ संबंधों में रह पाऊंगा, जी पाऊंगा, देख पाऊंगा और सबके साथ अपने संबंधों को पहचान पाऊंगा। जहां हमें संबंध दिखाई पड़ता है वहां मैं शोषण भ्रष्टाचार नहीं करता, और जहां मुझे संबंध नहीं दिखाई देता वही मैं काम करता हूं। अगर ये बात मैं समझ जाऊं तो मैं किसी के साथ शोषण या भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। और इन सभी को एक साथ देखने के लिए हम समाज में स्वयं स्फूर्त विधि से व्यवस्था में भागीदार करना है। अगर हम इन सबको ऊपर लिखी गई बताई गई बातों को अगर हम समझ जाएं, संबंधों को पहचान लें, जान लें हमारी आवश्यकता क्या है, सुख का साधन क्या है, शरीर कौन है, मैं कौन हूं, मेरी आवश्यकता क्या है और किससे पूर्ति होगी, शरीर की आवश्यकता क्या होगी और कैसे पूर्ति होगी, देखिए। अब एक दूसरा विधि विनिमय को ले रहा हूं, एक्सचेंज, एक्सप्लॉयटेशन इन एक्सचेंज एक बड़ी समस्या है आज सामाजिक जीवन में। जब मैं किसी चीज को देता हूं उसके बदले में क्या मैं पा जाता हूं, इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसमैन है और जो उत्पादन करने वाले हैं और जो अनऑर्गेनाइज्ड है उनको एक्सप्लोटेशन करते हैं। वो तो क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइज्ड जो बिजनेसमैन है वो डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं कि मैं चीजों की मनमानी कीमत पा जाऊं। जो लेबर तबका है, जो उत्पादन करने वाला तबका है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो व्यापारी है प्रोफेशनल्स वो ऑर्गेनाइज्ड है, और ये जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का खेल चल रहा है इस व्यवस्था में। जो ऑर्गेनाइज्ड व्यापारी है इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई को अपने हाथों में रखता है, जिसके कारण वो भारी मुनाफा कमाता है और लेबर को, किसानों को उसकी सही कीमत नहीं मिल पाती है। ये जो मुनाफा है मोटे वाले वह कुछ व्यापारी बहुत ज्यादा संख्या में कमा लेते हैं, तो ये पैसे का असामान्य वितरण हो जाता है। अब इसके समाधान की जो रास्ते देख रही हूं, जिसके लिए जो एक व्यवस्था, एक सिस्टम आपके सामने रख रहे हैं, जो प्रोविजन फॉर फिक्स प्राइसेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर वैल्यू इन द प्रपोज्ड रिसाइकेबिलिटी बेस्ड इकोनॉमिक्स,
इन्होंने कहा कि ऐसी अर्थव्यवस्था हो जो रिसाइकिल प्रोडक्टों की भी हो, जो पैदा हो कुछ दिन बाद इसी मिट्टी में मिल जाए। जैसे प्लास्टिक होता है वह जो है डिकम्पोज नहीं होता, जो मटेरियल का गुण है रचना और विरचना का गुण, ऐसा प्रोडक्ट साइकिल बेस्ड हो, इसमें कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन दोनों हो, साइक्लिक प्रोसेस की इकोनॉमिक्स हो, और जिस प्रोडक्ट जो उत्पादन हो, जो वस्तु हो, उसकी कीमत निर्धारित हो, किस आधार पे, इसमें लेबर क्या लगता है, एक श्रमिक एक उत्पादक इसमें वास्तव में कितना पैसा लगाता है, इसको कितना मिलना ही चाहिए, इससे नीचे नहीं जाएगा कीमत। अब लेकिन हमें कौन व्यवस्था कर देते हैं, आप सामान लीजिए बदले में सामान ही लीजिए, पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट रिमूवल ऑफ एक्सप्लोटेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। वस्तुओं की विनिमय में शोषण समाप्त करने की पूरी संभावना है और विस्तार में वर्णन अर्थशास्त्र के उसमें मिलेगा कि जब भी इकोनॉमिक्स का आएगा वहां से देखा जाएगा अर्थशास्त्र में भी, लेकिन शोषण समाप्त करने के लिए कमोडिटी से कमोडिटी जहां न हो सके उसको वैल्यूएबल बेस्ड कितना पैसा खर्च करता है, कितना श्रम करता है, एक श्रम की उसकी एक दिन की कीमत वास्तव में क्या है, उसके आधार पे उसके किए हुए कार्य का मूल्यांकन हो और उस मूल्यांकन के आधार पे उसकी कीमत दीजिए। देखिए हमने दो मुद्दे उठाए हैं इस लेक्चर नंबर 14 में, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं और भ्रष्टाचार को कैसे हटाया जा सकता है, विनिमय से भ्रष्टाचार कैसे होता है और भ्रष्टाचार को कैसे हटाया जा सकता है। अब समय है गृह कार्य का और आज के गृह कार्य में तीन गृह कार्य आपके एक्सप्लोरेशन के रूप में दे रहा हूं। पहला है भ्रष्टाचार को समाप्त करने में वर्तमान प्रयासों की असफलता अल्प सफलता से आप क्या कारण देखते हैं। इस एक्सप्लोरेशन को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को हटाने के लिए आज की जो व्यवस्था है केंद्रीय सरकारें हैं, स्टेट सरकारें हैं, लोकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या जिन कार्यों को वो कर रहे हैं क्या वो पूरे मनोयोग से कर रहे हैं, क्या उनसे सफलता मिली, मिली तो कितनी और नहीं मिली तो क्यों, सोचे और समझे। फिर दूसरा बहुत और इस पर जरूर ध्यान दें कि भ्रष्टाचार का अस्थाई समाधान आप किस तरह देखते हैं। वर्तमान में वस्तुओं की कीमतों के आधार और श्रम मूल्य में क्या क्या सैद्धांतिक भेद है, देखें जांचे और समझे, क्योंकि समझना तो पड़ेगा हमको। अगर हम सत्य को समझ गए हैं, धर्म को समझ गए हैं, ज्ञान को समझ गए हैं, न्याय को समझ गए हैं, सही भाव नौ भाव और सही विचार, मैं जान गया हूं, जीना शुरू कर दिया हूं, तो मैं जरूर उस पर चर्चा करूंगा। आज के समाज में यह एक बड़ी समस्या है जिसका निराकरण हमको आपको मिलजुल के करना है। आज के लेक्चर में बस इतना ही।
फिर मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को एक बार पुनः नमस्कार।